आचार्य जी, त्योहारों में जितना महत्व पूजा सामग्री की रहती है, उतना महत्व पुष्प का भी होता है। तो वो कौन से ऐसा पुष्प है जिसके बिना माता दुर्गा की पूजा अधूरी हो जाती है? हर हर महादेव, जय बाबा वैद्यनाथ। शारदीय नवरात्र में 9 रूपों में माता रानी की पूजा होती है, माँ दुर्गा की पूजा होती है। शैलपुत्री से प्रारंभ होकर के सिद्धदात्री तक ये नव दुर्गा जो है, नव दुर्गा को विशेष रूप से माता रानी को सब कुछ आप अर्पण करिए, और यदि आप उनके इच्छानुसार पुष्प अर्पण नहीं किए, पुष्प का माला अर्पण नहीं किए, तो पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए अब माता रानी का विशेष फूल जो है वह उड़हुल है, इसके बाद अपराजिता है, कनेल और हरसिगार, ये 4 पुष्प माता रानी को बहुत प्रिय है। माता रानी को उड़हुल का फूल निश्चित रूप से चढ़ाएं, और इस शारदीय नवरात्र में अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए लाल कनेल का फूल जो है वह मिल जाए, तो लाल कनेल का फूल अर्पण करें, उससे आपका हर मनोकामना, हर श्रृंगार, ये 4 पुष्प माता रानी को विशेष रूप से पसंद है, इसका माला भी बनाए और माता रानी को अर्पण।